हेलो वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। आईबीएल फाइनेंस आईपीओ की आज क्लोजिंग हुई थी। लास्ट डेट पर कितना सब्सक्राइब हुआ चलिए देखते हैं। इसका टोटल सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखेंगे तो 17.95 गुना हुआ है। रिटेल कैटेगरी 24.3 गुना भरा है एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल बार की कैटेगरी 11.13 गुना भरा है। कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, इसके पीछे की इसकी वजह है, इसकी अहम एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसकी जीएमपी, क्योंकि किसी भी आईपीओ के लिए तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, बिजनेस मॉडल एंड फाइनेंशियल हिस्ट्री एंड जीएमपी, और इसका तीनों के तीनों ही नक के बराबर है। इसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री देखें तो फाइनेंशियल हिस्ट्री भी कुछ खास नहीं है। ये पहले साल 2021 में 9.88 लाख के लॉस में था, फिर ये बाद में धीरे धीरे प्रोफिटेबल हुआ और अच्छा प्रोफिट इसने जनरेट की। बाकी रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी अच्छा ग्रोथ किया है, एसेट भी अच्छा ग्रोथ किया है एंड इसकी नेटवर्थ में भी अच्छा देखने के लिए मिला है। तो फाइनेंशियली भी ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना होना चाहिए था, फाइनेंशियली ये थोड़ा वीक है। बाकी इसकी बिजनेस मॉडल की बात करें तो बिजनेस मॉडल भी कुछ खास नहीं है। ये मोबाइल ऐप के जरिए इंस्टेंट लोन प्रदान करती है, एक मोबाइल ऐप है जिसके जरिए ये सब कुछ, सारा जो प्रक्रिया होती है सब कुछ ऑनलाइन ही प्रोसेस करता है, डिजिटल प्रोसेस के जरिए सब कुछ है, जितना भी प्रक्रिया होता है सबको ये पूरा करता है। और मोबाइल ऐप के जरिए ये इंस्टेंट लोन प्रदान करती है, 50,000 तक के लोन को दे सकती है वो भी मोबाइल ऐप के जरिए। तो ये सारा कुछ, इसका जो प्रक्रिया सब कुछ ऑनलाइन ही होती है। इसका जो मौजूदगी है गुजरात महाराष्ट्र में स्थित है, इसके 7 ब्रांच हैं। तो कुछ खास इसका बिजनेस मॉडल नहीं है और ना ही इसकी बिजनेस बहुत ज्यादा विस्तृत है, बहुत ही छोटा स्पेस में इसकी बिजनेस फैला हुआ है, बहुत ज्यादा विस्तार नहीं है। और इस आईपीओ की जीएमपी भी कुछ खास नहीं है, इसकी जीएमपी देखें 0% है, अभी तक इसकी जीएमपी ओपन नहीं हुआ। आज ये आईपीओ क्लोज भी कर गया तो इसकी जीएमपी की ओपनिंग भी नहीं हुआ। तो तीनों फाइनेंशियली भी ये वीक है एंड इसके बिजनेस मॉडल भी यूनिक नहीं है, साथ ही साथ इसकी जीएमपी भी 0 है, जिसकी वजह से इस आईपीओ में लोगों का इंटरेस्ट न के बराबर दिखा। इसकी टोटल सब्सक्रिप्शन जो हुआ है वो 17.95 गुना ही हुआ, कुछ खास सब्सक्राइब नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में मे भी इसकी लिस्टिंग कैसी मिलती है, इसकी लिस्टिंग 0% पर मिलती है या फिर 5-6% डिस्काउंट करके लिस्ट होता है या फिर 4-5% के प्रीमियम के साथ लिस्टिंग होगा। लिस्टिंग होने के बाद ही हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, चांसेस हाई है कि 5-6% डिस्काउंट करके इसकी लिस्टिंग हो या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर 0% प्रीमियम पर भी इसकी लिस्टिंग हो सकती है या फिर 2-4-5% के प्रीमियम पर भी इसकी लिस्टिंग हो सकती है। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे हैं, जिस समझ में आ रही है मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दे ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।